एमसीसी लड़के बस खारिज कर वार पार कर भाई मन एमसीसी जो कि सड़क यो ऊर्जा में लगानी करने बना दुईटा विषय में मुख्य लगानी करने तेमे को ऊर्जा क्षेत्र में ट्रांसमिशन लाइन में उसे लगानी करने भाया अब ट्रांसमिशन लाइन लगानी करने बना हमी विद्युत खपत निर्यात करनी जल्दबल्द आवश्यकता आगामी भदौसम में 500 मेगावाट बिजुली खेर जाने स्थिति दिन को अरब भन्दा को हाराहारी में जाने हमें लस होने संभावना हम आर्थिक रूप में हमें नुकसान होने बड़े स्थिति इस मैं यहाँ तब जानकारी कराने पे सुशिक्षित करना के तब स्पष्ट कर चाहूँ अब एमसीसी करने भो हम झुंडे बसि एमसीसी विभाग विभाग में तेस कारण हमी एक दिन भी पर्खने वाला छन एक दिन पर्खने वाला छैन भन्न को मतलब मैं एमसीसी लागू कर एमसीसी कार्यान्वयन भन्न खोजे है इसमें झुंडे नबसौ इस पर्खे नबसौ एक सेकेंड भी हमें रोक्ने स्थिति छैन एमसीसी राष्ट्र हित को पक्ष में छैन इस खारिज कर दू इस छोड़ दू हमी अर्को लगानी या देश को लगानी हमें ये ट्रांसमिशन लाइन बढ़ा पर्ने भो तो युद्धस्तर में गर्न पर्ने तीव्र रूप में अगड़ी बढ़ना पर्ने इसमें हमी अलझे बस्त हो भाई मेरे भनाई होने लागू करने हो देश को हित में कतिपय प्रावधान देश को हित में छन राजनीतिक पार्टी और सरकार को बीच में मूल रूप में सरकार पक्ष विपक्ष अथवा इससंग संबंधित विशेषज्ञ राखर के प्रावधान हटाए राष्ट्र को अनुकूलता में बनाने हो तो बना सहमति होने करूँ भ होइन भने मैले हुबहु लागू गर्नुपर्छ अथवा यसलाई पेलेर जानुपर्छ भन्ने कुनै मेरो मनसाय होइन हामीले यसमा पर्खेर नबसौँ यसलाई छिटो डिसिसन वार पारको डिसिसन गरौँ भन्ने हामीले यसो पर्खेर बस्ने एक दिन पनि हामीलाई फुर्सद छैन टाइम छैन यो विषयमा हामी अब लाग्छौँ कि यसलाई चाहिँ खारिज गरौँ होइन यसलाई चाहिँ राष्ट्रको हित विरुद्ध विपरीत यसका प्रावधान छन् भने राजनीतिक पार्टीको बीचमा बसेर विशेषज्ञ राखेर छलफल गरेर राष्ट्रहित अनुकूल राष्ट्रहित विरुद्धमा हैन कि राष्ट्रहित अनुकूल बनाएर हामीले यसलाई सहमतिबाट गर्न सक्ने हो भने त्यसलाई गर्नु पर्यो यसमा हामीले नपर्ख्यौँ भन्ने मात्रै हो मेरो भनाइ यसमा लागू गर्नुपर्छ होबा लागू गर्नुपर्छ पेलेर जानुपर्छ मेरो केही मनसाय हैन किनभने यो एमसीसी ऊर्जा क्षेत्रमा ट्रांसमिशन में लागू गर्नु भन्दा यसमा हामीले एउटा स्पष्ट धारणा बनाउनु पर्ने हुन्छ मैले मात्र हैन सरकारले र अन्य त्यसले यससँग सम्बन्धित सरकारवाला निकायहरूसँग हामी छलफल गरेर यसलाई स्पष्ट गर्न पर्यो भन्ने मात्र मेरो मनसाय एमसीसी लड्केर बसिया छ र यसलाई चाहिँ कि खारिज गर्न पर्यो कि यसलाई चाहिँ वार पार गर्न पर्यो भन्ने मान्छु मैले यसै विवाद सिर्जना गर्नको लागि यसै हुबहु लागू गर्ने भन्ने मैले कहीं पनि भनेको छैन भन्दा पनि भन्दैन सरकारले राजनीतिक पार्टीहरूले अब यसलाई चाहिँ तुरुन्त एक्सनमा जानुपर्छ कि हटाइदेऊ हटाऊ कि यसलाई चाहिँ परिमार्जन गरेर लागू गर्न पर्ने हो भने गरौँ मेरा विचार म त्यहाँ राजनीति मिटिङमा राख्नेछु म यसरी कुरेर त्यो लड्केर बसिरहँदाखेरि यो देश डुब्छ भन्ने हो